हेलो एंड वेलकम टू वन एकेडमी, लेट्स क्रैक इट। माय नेम इज शीना और आज आप लोग के लिए फिर से वोकैबुलरी का सेशन। आई होप दिस लेक्चर फाइंड्स यू ऑल इन पिंक एंड यू आर वेरी हैप्पी, हेल्दी एंड रियली डूइंग गुड। सो हियर इट इज अबाउट द न्यू वर्ड्स। नए साल पे नए नए शब्द थोड़ा जल्दी जल्दी सीखें ताकि आपका जो पुराना वोकैबुलरी है थोड़ा सा बैक सीट ले और नया वर्ड्स आपके यू नो मेमोरी में फिट हो। और उन वर्ड्स को आप रोजाना लिखिए भी, प्रैक्टिस भी करिए, उनसे सेंटेंसेस बनाइए, उनको किसी से एसोसिएट करिए। दैट विल ब्रिंग आउट द रियल एसेंस ऑफ इंग्लिश। ऑल राइट एवरीबडी, सो दिस इज अ लिटिल ब्रीफ अबाउट मी इन केस यू विश टू नो टू मैं क्या करती हूँ और क्या मेरा करियर ट्रैक रहा है। तो यू कैन रीड अबाउट इट फ्रॉम हियर। अपार्ट फ्रॉम दिस, अन अकेडमी पे हम लोग के 30 से ज्यादा बैचेस हर मंथ शुरू होते हैं और कुछ बैचेस ये हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर रखे हुए हैं। ये बैचेस अभी हाल फिलहाल शुरू हुए हैं, जैसे कि चैंपियंस बैच फॉर IBPS एंड SBI PO 2022। देन वी गॉट एक्सेलरेटर बैच फॉर SBI PO 2022। ये 5th of January मतलब कल से ही शुरू हुए हैं। इन बैचेस में आपको क्या मिलता है? फुल सिलेबस कवरेज, टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री टू टेस्ट, वीकली डेडिकेटेड सेशंस एंड नॉट। हमारे पास बैंक एग्जाम सब्सक्रिप्शन प्लान्स दो तरह के हैं। हमारे जो बैंक एग्जाम सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं वो दो तरह के हैं। 24 months का जो 2 year का प्लान है वो 325 पर मंथ पे मिलेगा, 1 year का प्लान इतने पे। और ये प्लान्स लेने के लिए आप Shia10 कोड का यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट और मिलेगा। 6 months के ऊपर तो हम आपको नो कॉस्ट EMI भी दे रहे हैं। एक प्लस के फीचर्स क्या क्या हैं? पर्सनल गाइडेंस, लाइव क्लासेस रहती हैं, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, 24/7 आप एक्सेस कर सकते हो हमारे लेक्चर्स को, रिकॉर्डेड को, और टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट्स गाइडलाइंस मिलती रहेंगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, प्रैक्टिस सेट्स होंगे, स्टडी प्लानर होगा, एक्सेट्रा, सो मच सो इन प्लस। साथ साथ एक और चीज़ आई है, रेज अ हैंड फीचर, जिसके चलते आप लाइव क्लास में टीचर से बात कर सकते हैं, यू नो, and you can even clear your doubts, and trust me, this is a wonderful feature. You can come over to an academy to avail this. Plus ke sath sath hamara dusra bank exam plan hai, subscription plan hai iconic. Iconic mein aapko plus ke sare features ke sath sath priority milta hai. Priority ka matlab hai VIP treatment. to agar aapne humse ask a doubt feature ke chalte koi doubt pucha hai to sabse pehle hamara subject matter expert aapke doubt ko resolve karega. आपने क्लास में रेज अ हैंड फीचर का यूज़ किया है तो सबसे पहले हमारा एजुकेटर आपके क्वेरीज को रिजॉल्व करेगा। और VIP ट्रीटमेंट हैज़ ऑलवेज गॉट सम एक्स्ट्रा प्राइस टू पे। तो 2 year का प्लान आपको 390 पर मंथ पे, 1 year का प्लान 650 पर मंथ पे, और तो और 6 months के ऊपर नो कॉस्ट EMI भी मिलेगा। Shia10 कोड का यूज़ करिए, प्रोसीड टू पे, बिकॉज यूजिंग दिस कोड विल गिव यू अ डिस्काउंट ऑफ 10%। कॉम्बैट का मतलब क्या होता है? कॉम्बैट का मतलब होता है मुकाबला। ये मुकाबला हो रहा है 1 crore के स्कॉलरशिप पूल के लिए। हर संडे को सुबह 10 बजे लाइव एंड्रॉयड ऐप और वेब पर 50 questions पूछे जाते हैं, सॉरी 30 questions पूछे जाते हैं 50 मिनट। लेकिन इस बार वाला जो कॉम्बैट है वो थोड़ा स्पेशल है। इसमें चारों सब्जेक्ट नहीं आ रहे, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट आ रहा है, वो है स्पेशल इंग्लिश प्रिलिम्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे। क्लेरिकल बेस्ड भी होंगे, PO एग्जाम लेवल के भी होंगे, और जो क्वेश्चंस होंगे वो क्यूरेटेड होंगे बाय आर टॉप एजुकेटर, इंग्लिश एजुकेटर, दैट्स निमिषा मैडम। सो अगर आप टॉप 1000 रैंकर्स में आते हैं तो ये आप लोग के लिए प्राइजेज हैं, आप उठा के ले जाइए। 9th January सुबह 10 बजे आना नहीं भूलिएगा। एनरोल करने के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है, आज ही एनरोल करिए Shia10 कोड का यूज़ करके। इस कोड के चलते आप फ्री में रजिस्टर कर सकते हो कॉम्बैट जी। सो देखिए, जो जो चीज़ें आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो वो तो ट्रेलर है, फुल फ्लेज्ड सेशंस देखने हैं तो आई एम रिक्वेस्टिंग ईच वन ऑफ यू, आप लोग आज ही अन अकेडमी लर्नर ऐप को डाउनलोड करिए। वहाँ पे बैंक एग्जाम की कैटेगरी टीना अरोरा, जो कि मेरा नाम है, आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। जैसे ही आप वहाँ पे आएंगे आपको मेरे तमाम स्पेशल क्लासेस का एक्सेस मिल जाए। स्पेशल क्लास का माने होता है फ्री में लाइव सेशंस। ये फ्री लाइव सेशंस में रोज शाम को 7 बजे कंडक्ट होते हैं अन अकेडमी लर्नर ऐप पर। तो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट, आप सबके लिए इनविटेशन, प्लीज़ डू कम एंड एक्सपीरियंस द इंटरफेस। ऑल राइट एवरी वन, सो आई विल सी यू गाइस एट 7 PM फॉर वोकैबुलरी सेशन टुडे। आज लाइव सेशन जो होगा वो वोकैबुलरी पर होगा शाम को 7 बजे अन अकेडमी लर्नर ऐप पर। आना मत भूलिएगा, सारे लोग ज़रूर आइएगा, ठीक है जी। सो लेट अस स्टार्ट द वोकैब सेशन फॉर द डे। आर यू गाइज रेडी? द
Come on. Can I just have a thumbs up if you guys are all ready to be on the ride of vocabulary? Yeah. Okay. Hi, Alone Rider, MP Sihag, Ritu Poria, Aryan, Girija, Meghwal, Ganpat. Yeah, Ritu Poria, ye vocabulary har exam ke liye hai. Aryan bahut zyada helpful hoga because I have taught CLAT aspirants and I know how what kind of vocabulary is asked in CLAT. So yes, you can definitely take this session. Hi Shahnawaz. Yeah, it was the network issue, 2 PM. I got it resolved. Okay. Hey MPC Agh, Harsh Sharma. Yeah, Harsh, come on, please say one. Yeah. आप सारे लोग इस सेशन को अपने अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए बिकॉज दिस इज रियली एसेंशियल. इस सेशन को अपने अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में सारे लोग शेयर करें. Hi Ravi Tiwari and Prem Ronak. Oh, okay Ritu, I hope you enjoy the class. So admonish ka kya matlab hota hai? Kisi ko acche se daantna, fatkarna. Dekho ye kya bol raha hai, dekho ye isko gaali dete hue bol raha hai, saale tujhe chutti chahiye, aur ye piche se kya keh raha hai, Sunny Paji admonish kar rahe hai. Admonish ka matlab hota hai acche se daantna, fatkarna, kisi ko scold karna. किसी को अच्छे से स्कोल्ड करना, सेंशर, शाइड भी कहते हैं इसको, रिब्यूक भी कहते हैं, बीरेट कहते हैं, रेप्रीमेंड कहते हैं, वॉन भी कहते हैं और एडमोनिश भी कहते हैं जी. ऐड गलत हो गया तो मनीष को बहुत डांट फटकार लगी, सो एडमोनिश. किसी को आप बीरेट कर रहे हो, बहुत अच्छे से डांट रहे हो, सेंशर कर रहे हो, शाइड कर रहे हो, रिब्यूक कर रहे हो, रेप्रीमेंड कर रहे हो, स्कोल्ड कर रहे हो, इन सब का एक ही मतलब है, दैट इज अच्छे से डांट फटकार लगाना या स्कोल्ड करना. अगर कभी डांट फटकार की बात एग्जाम में आएगी, मेरा यकीन मानिए इस पेज पे जितने शब्द लिखे हैं, आई मीन जो मैंने यहाँ एनसर्कल किए हैं, उनसे ज्यादा कोई भी वर्ड आपसे नहीं पूछा जाएगा. द टू एक्ट्स ऑफ मर्सी बींग फोकस्ड ऑन दिस मार्च इन द आर्कडियोसीज ऑफ पोर्टलैंड विल बी टू फॉरगिव ऑफेंसेस एंड टू एडमोनिश सिनर्स. एडमोनिश एक क्रिया होती है, दैट्स अ वर्ब, किसी को अच्छे से स्कोल्ड करना. ऑल राइट एवरीबडी, चले मेरे साथ जितना भी स्कोल्ड, अच्छे से किसी की डांट फटकार लगाने वाले शब्दों को रिपीट करें, आंखें बंद करें. एडमोनिश, बीरेट, शाइड, चीटिंग, सेंशर, CENSURE, रिब्यूक, ठीक है, देन वी गॉट रेप्रीमेंड, स्कोल्ड, ठीक है जी. सो ऑल दीज वर्ड्स दे स्टैंड फॉर स्ट्रांगली क्रिटिसाइजिंग समवन और यू नो या स्ट्रांगली स्कोल्डिंग समवन. आगे बढ़े टायरेड. टायरेड का मतलब होता है कहीं पे अगर आप बहुत ही हिंसक स्पीच दे रहे हो, जैसे ये आदमी दे रहा है, देखिए अगर कहीं पे आप बहुत ही हिंसक स्पीच दे रहे हो, बहुत नॉइज क्रिएट कर रहे हो, हैरांगी, रैंटिंग, स्क्रीड, सरमन, एंगर, सेंशर, डिस्प्यूट, बहुत ज़्यादा हिंसक स्पीच देना, दैट्स कॉल्ड टायरेड, ठीक है. जैसे ऑस्ट्रेलियन मूवी स्टार जो है रेबल विल्सन, उन्होंने लॉन्च किया है एक बहुत ही विट्रियोलिक, मतलब बहुत ही बिटर ट्विटर टायरेड. टायरेड का मतलब बहुत ही हिंसक तरीके से किसी को डिनाउंस करना, किसी की धज्जियाँ उड़ाना, दैट्स टायरेडिंग. और वो जर्नलिस्ट की तरफ टायरेड करें, टायरेड एक नाउन है, टायरेड इज अ नाउन. ऑल राइट एवरी वन, एब्सोल्यूटली यू कैन इवन कॉल इट अ ब्रो बीट. ऑल राइट, ऑल राइट देन.
जी। सो एडमोनिश इज डन, आई मीन टायरेड इज डन, नाउ आगे बढ़ते हैं। लेबिरिंथिन, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने लंच बॉक्सेस पर, टिफिन्स के ऊपर, ये गेम आता था ना जिसमें एक बॉल होती थी जो आपको बॉल इधर इधर किसी तरीके से अंदर पहुंचानी होती, राइट? कोई कोई ऐसा रास्ता जहां से बॉल अंदर पहुंच जाए। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड देखिए कैसे अंदर पहुंचेगी ये बॉल। ओह दैट्स अ प्रीटी डिफिकल्ट गेम, यू सी। हाँ मेरी तो बॉल अंदर पहुंच, ठीक है जी। तो लेबिरिंथिन का मतलब होता है जब आप कोई कॉम्प्लेक्सिटी से डील कर रहे हैं, दैट्स इंट्रिकेट, कॉम्प्लेक्स, मीएंडरिंग, कॉम्प्लेक्स चीजें, मेजी, सरपेंटीन, सांप के समान, ट्विस्टिंग, वाइंडिंग, ठीक है, दैट्स लेबिरिंथिन। इसको हम कहते हैं लेबिरिंथिन, ठीक है जी। इसको हम बाइजेंटीन भी कहते हैं, बाइजेंटीन भी होता है ये, लेबिरिंथिन भी होता है। जो चीज़ बहुत कॉम्प्लेक्स है, मेजी है, ट्विस्टिंग है, इंट्रिकेट है, मीएंडरिंग है, तो अगली बार अगर आपको कोई चीज़ बड़ी कॉम्प्लेक्स लगे आप उसको बुलाइए लेबरिंथिन, बाइजेंटीन, इंट्रिकेट, मियांड्रिंग, सर्पेंटीन, एक्सेट्रा। ओके, जो सेंटेंसेस कभी दैट वंस सैंग दे बिकेम सो लेबरिंथिन, लेबरिंथिन एक नाउन है, दे बिकेम सो लेबरिंथिन इन कॉम्प्लेक्सिटी दैट द रीडर गॉट लॉस्ट इन द मेज। या तो यहाँ तीन तीन कॉम्प्लेक्सिटी वाले शब्द हैं, लेबरिंथिन, कॉम्प्लेक्सिटी खुद और मेज। ऑल राइट एवरी वन, ऑल राइट देन। तो ये सारे वर्ड्स का मतलब है कॉम्प्लेक्स। अगर आपको कहीं पे कॉम्प्लेक्सिटी मिल जाए सो यू कैन कॉल इट लेबरिंथिन, यू कैन कॉल इट बाइजेंटीन। ये तो जो स्पेलिंग है पढ़ने में ही बड़ी कॉम्प्लेक्स है, तो इनका मीनिंग भी कॉम्प्लेक्स है। लेबरिंथिन, बाइजेंटीन, इंट्रिकेट भी बहुत यूज होता है, मीएंडरिंग काफ़ी यूज होता है, मेजी काफ़ी यूज होता है। तो इन सब का मतलब क्या है? बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है। ओके, एलैक्रिटी, आला, आला से याद करो। आला का मतलब होता है बहुत ही अव्वल दर्जे का, दैट्स आला। अगर कोई चीज़ एलैक्रिटी है किसी चीज़ में तो उसमें जिंदा दिली है, ईगरनेस है, जैसे छोटे बच्चों में होती है ना दिमाग की तेजी, दैट्स द कीननेस ऑफ माइंड, कीननेस ऑफ द माइंड, दैट्स हाउ कीन यू आर, हाउ लाइवली, हाउ ईगर, हाउ क्यूरियस, हाउ अलर्ट यू आर। तो आपकी अलर्टनेस को क्या बोलते हैं? एलैक्रिटी, एविडिटी, ब्रिस्कनेस, चीयरफुलनेस, स्प्राइटलीनेस, विलिंगनेस। इतने सारे वर्ड्स याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक दो वर्ड्स चलेंगे। अलर्टनेस, अलर्टनेस या ब्रिस्कनेस, अगर आप बहुत तेजी से कोई काम कर रहे हैं, बहुत अलर्ट हैं, यू वेरी लाइवली एंड यू आर वेरी ईगर, दैट्स योर एलैक्रिटी। तो द प्राइम मिनिस्टर ने आप पार्टी से पूछा कि वो टेक्नोलॉजी को गले लगाएं ज्यादा एलैक्रिटी के साथ। एलैक्रिटी का क्या मतलब हुआ? आप तेजी, अलर्टनेस, राइट एवरीबडी? सो दैट्स अलर्टनेस और तेजी। ऑल राइट, एंड एंथुसियाज्म। तो आप में से कितने लोग हैं जिनके अंदर बहुत एलैक्रिटी है, तेजी है, अलर्टनेस है, लाइवलीनेस है, ईगरनेस है? ऑल राइट पीपल, सो एलैक्रिटी आपको आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं लेकोनिक पे। जिनके पास लैक होता है शब्दों का, जिनके पास शब्दों की कमी है, जो लोग बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हैं, लेकोनिक, बहुत कम, छोटे में अपनी बात कह देते हैं बिकॉज लेस इज मोर। तो जो लोग बहुत कम शब्दों में अपनी बातों को ख़त्म करते हैं वो लोग लेकोनिक होते हैं। जैसे इसको आप और सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? टर्स, ब्रीफ, कॉम्पैक्ट, क्रिस्प, छोटा सा, ससिंक्ट, ठीक है, पिथी। तो दीज आर ऑल
थिंग्स इन ब्रीफ, बहुत छोटे में, कॉम्पैक्ट, क्रिस्प, यू नो, टर्स, पिथी, सेसिंक्ट, दैट्स लेकोनिक. ऑल राइट एवरीबडी. और जो बंदा बहुत शब्दों को घुमा घुमा के बोले तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? सर्किट बना दे, सर्किटस, सरकम लोक्यूटरी, पूरा गोल चक्कर घुमा दे बातों का. लॉन्ग विंडेड, प्रोलिक्स, रैम्बलिंग, वर्बोज, बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करे, विंडी, वर्डी, तो ये बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड्स है. हमें लेकोनिक याद करने हैं. लेकोनिक का मतलब है जिसके पास लैक हो, कमी हो शब्दों की, जो बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं, कम शब्दों में अपनी बात को ख़त्म करते हैं. ग्रेटर डिफिकल्टी एग्जिस्ट टू एनफोर्स द लेकोनिक सेफ गार्ड्स ऑफ द आधार एक्ट. बहुत मुश्किल हो रहा है टू लागू करने में क्या चीज़, बहुत ही ब्रीफ सेफ गार्ड्स ऑफ आधार एक्ट. लेकोनिक मतलब बहुत ही छोटे, ससिंक्ट, ब्रीफ, कॉम्पैक्ट. ऑल राइट एवरी वन. नेक्स्ट इन द किटी इज अमॉर्फस. अमॉर्फस का मतलब होता है जिसमें डेफिनेट फॉर्म नहीं है, डेफिनेट शेप नहीं है, जो चीज फॉर्मलेस है वो चीज क्या है? अमॉर्फस. सो अमॉर्फस का मतलब जो चीज शेपलेस है, फॉर्मलेस है, जिसका कोई डेफिनेट फॉर्म नहीं है, डेफिनेट शेप नहीं है, वो चीज अमॉर्फस हो गई. ठीक है जी. ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इमेज जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्रिस्टलिनिटी दिखाती है इन द अमॉर्फस मैट्रिक्स ऑफ द अलॉय. तो ये जो अलॉय का मिक्सचर है वो बहुत ही अमॉर्फस है. अमॉर्फस मतलब फॉर्मलेस, शेपलेस. अभी जैसे ये वाला आप पत्थर देखिए, इसका कितना फॉर्मलेस और शेप ही नहीं है कोई. तो जो जो शेप वाला ही नहीं है वो चीज क्या है? अमॉर्फस है, दैट्स शेपलेस. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. वॉन्टन. नाउ दिस इज नॉट वेरी गुड अ वर्ड, बट यू कैन यूज इट फॉर, दिस इज स्पेशली यूज्ड फॉर वुमेन. दिस इज स्पेशली यूज्ड फॉर वुमेन हु डू नॉट हैव द स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर. जिनके कैरेक्टर में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती है, वो लेडीज को आप वॉन्टन्स बोल सकते हो. ओके, all right everybody. So yeah, the synonyms can be lewd, promiscuous, abandoned, lax, libertine, libidinous. ठीक है जी. Single s. जो पार्क है, it was full of people fishing and relaxing. I think ये बहुत ही shocking था that they were just walking along carrying out this wanton destruction. So wanton is like quite lewd, which is not lawfully correct, and somebody who lacks the strength of character is a wanton. ओके, और वॉन्टन एक एडजेक्टिव होता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. वोसीफेरस. यस रवि तिवारी, लेकोनिक इज एन एडजेक्टिव. ओके, वोसी फेरस का आप क्या मतलब होता है? जिसका वॉइस, इसको ऐसे याद कर लो, जिसकी वॉइस में फेरस हो. फेरस तो आप समझते हो आयरन के लिए बोलते हैं, आयरन का दूसरा नाम फेरस है ना. जिसकी आवाज में बहुत लोहे समान आवाज हो, तो जो बहुत लाउड आवाज हो, ऑफेंसिवली लाउड हो, जो कानों को सुनने में अच्छी ना लगे, कोई कंटिन्यूसली चिल्ला रहा है, ऑफेंसिवली लाउड हो रहा है, बहुत तेज तेज चिल्लाना, वेहमेंट आउट क्राइज, इसको हम कहते हैं वोसीफेरस होना. बहुत ही नॉइजी होना, क्लैमरस, रैंटिंग, बॉयस्टरस. बॉयस्टरस को ऐसे याद करो, बॉयज है, दे आर नाउ, बॉयज आर बॉयस्टरस, लाइक बॉयज आर आउट ऑन अ पार्टी, सो दे विल बी क्वाइट नॉइजी, सो दैट्स बॉयस्टरस. क्लैमेंट, रैंटिंग, क्लैमरस, नॉइजी, राइट, वेहमेंट, ये होती है बहुत तेज तेज चिल्लाना. तो अगर आपका भी ऐसे ही आवाज है, सो यू आर अ वोसीफेरस बॉय और अ गर्ल. और रादर देखिए, कुछ लोग होते हैं जो खाते हुए बहुत आवाज करते हैं, ठीक, तो आप ऐसे खाने वालों को बोल सकते हो, व्हाट अ वोसीफेरस ईटर यू आर. अब वोसीफेरस ईटर मतलब क्या हुआ? वोसीफेरस एक एडजेक्टिव है, विशेषता बताता है. तो मैं कोई ईटर के साथ या रीडर के साथ, कोई बंदा बहुत तेज तेज पढ़ता है, कोई बंदा बहुत तेज तेज खाता है आवाज कर करके, तो वो वोसीफेरस ईटर है.
तेज तेज पढ़ने वाला वोसीफेरस रीडर है, तो जिसकी आवाज बहुत लाउड हो और आपको ऑफेंड कर जाए, या दैट्स वोसीफेरस। ठीक है जी, दैट्स वोसीफेरस डन। नेक्स्ट इन द किटी इज यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म को आप ऐसे याद करिए यूटिलिटी से। यूटिलिटी मतलब जिसका यूज है, जिसका यूजफुलनेस है, मतलब वो कोई दिखावटी चीज नहीं है। रादर देन ब्यूटी, यू नो, यू हैव रिगार्ड्स टू द यूजफुलनेस ऑफ समथिंग, दैट्स कॉल्ड यूटिलिटेरियन। ठीक है, जैसे जैसे आजकल आपका यू नो नॉन स्टिक पैन्स आ गए हैं। ठीक, नॉन स्टिक आपका नॉन स्टिक पैन, नॉन स्टिक कढ़ाइयाँ, नॉन स्टिक आपका तवे आ गए हैं, पर जो सिर्फ वो ब्यूटी है उसमें ना, उसकी हाँ यूटिलिटी नहीं है, उसका इतना यूजफुलनेस नहीं है। सो हाँ, वो यूटिलिटेरियन तो हमारे पुराने वाले तवे हुआ करते थे, पुराने वाले बर्तन हुआ करते थे, हांडियाँ होती थी। दैट्स व्हाट माय मॉम सेज टू अस, दैट्स यूटिलिटेरियन। ऑलराइट एवरीबॉडी, समथिंग दैट हैज गॉट यूजफुलनेस रादर देन ब्यूटी, मतलब जिसमें जिसका यूजफुलनेस होता है, सिर्फ ब्यूटी नहीं होती उसमें। ठीक है, जो चीज़ फंक्शनल है, प्रैक्टिकल है, इफेक्टिव है। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल है, इफेक्टिव है, सर्विसेबल है, यूजफुल है। मॉडर्न फिलोसफी वॉज बाई टू इम्पॉर्टेंट स्कूल्स ऑफ थाट। मॉडर्न फिलोसफी जो थी वो उसमें टू इम्पॉर्टेंट स्कूल्स ऑफ थाट चलते थे, इंडिविजुअलिज्म एंड यूटिलिटेरियनिज्म। तो ये इज्म आ गया ना, यूटिलिटेरियन, राइट, यूटिलिटेरियनिज्म, दिस इज ऑल नाउन। ओके एवरीबॉडी, या डन विद इट। डन विद इट, डन विद दिस वन एवरीबॉडी, यूटिलिटेरियन इज डन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे हम लोग, विसिट्यूड। विसिट्यूड का मतलब होता है अगर किसी चीज में कोई कोर्स ऑफ एक्शन चल रहा था, कोई काम आराम से हो रहा था, उसमें कोई सडनली चेंज आ जाए, वेरिएशन आ जाए, इसको कहते हैं विसिट्यूड। इसको ऐसे याद करो, विकी के एटीट्यूड में चेंज आ गया। विकी के एटीट्यूड में क्या आ गया? चेंज आ गया। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, विकी का एटीट्यूड लस्सी पी के चेंज हो गया, राइट, दैट्स विकी विसिट्यूड, राइट। विसिट्यूड का मतलब क्या है? एक चेंज, एक वेरिएशन। जैसे हमारे एंसेस्टर्स ने ये कंक्लूड किया था कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो एक बेटर गवर्नमेंट ठीक कर सकती है, तो विसिट्यूड का मतलब चेंज। ठीक है, सबसे बड़ा जो चेंज आता है इंसानों में वो होता है चेंज ऑफ उनका धर्म, चेंज ऑफ उनका यू नो सेक्स, सो दैट्स विसिट्यूड। ऑल राइट एवरीबडी, कोई चेंज, कोई बदलाव, बदलाव को कहते हैं विसिट्यूड, एज सिंपल एज दैट। तो आपके एटीट्यूड में चेंज आ गया, वक्त में चेंज आ गया, आपकी किस्मत में चेंज आ गया, सो दैट्स ऑल विसिट्यूड। विसिट्यूड ऑफ फॉर्च्यून, कल को आपकी बहुत अच्छी जॉब लग जाए तो आपका विसिट्यूड, विसिट्यूड में आपके फॉर्च्यून में क्या आ गया, आपकी किस्मत में विसिट्यूड आ गया, चेंज्ड फॉर द बेटर। ओके, नेक्स्ट इन द किटी इज, ओह that is it, that's almost done. So all these 10 words, apart from these 10 words, we had these extra 10 words today. I'll just revise all of them for you. Admonish, add galat hua to manish ki kya padi, daant padi. So daant ko aap admonish kehte ho, berate kehte ho, censure kehte ho, chide, rebuke, reprimand. Rebuke aur reprimand bahut aate hain, inko yaad rakhiye. Okay, to ye words ho gaye yahan se. टायरेड एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है एक बहुत ही वायलेंट स्पीच देना, हिंसक बातें करना। अ स्पीच ऑफ किसी को वायलेंटली अगर आप डिमीन कर रहे हो, हिंसक तरीके से किसी की बेइज्जती कर रहे हो, तो इसे हम टायरेड कहते हैं, जिसको आप हैरंगी, रैंटिंग, स्क्रीक भी कहते हो। ठीक है, लेबरेंथिन, लेबरेंथिन जितना इसका नाम कॉम्प्लिकेटेड है, स्पेलिंग कॉम्प्लिकेटेड है, इसका मतलब भी है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड। बाइजेंटीन, ट्विस्टिंग, intricate, meandering, complex, mazy, sarp saman, saap saman, serpentine. Okay, everybody. Next is alacrity.
मैंने पूछा कितने कितने लोग अभी आला मोड में है। आला का मतलब होता है अव्वल दर्जे का, राइट? दैट्स आला, राइट? दैट्स आला। मेरी ड्राइंग बहुत ही खराब है। सो एलैक्रिटी का मतलब होता है आला। अलर्टनेस, आपके दिमाग की तेजी, आप कितने लाइव हैं, आप कितने अलाइव हैं, कितने जिंदा दिल हैं, कितना तेजी है आपके दिमाग में, आपका अलर्टनेस, आपकी एविडिटी, आपका ब्रिस्कनेस, आप कितने चीयरफुल रहते हैं लाइफ में, ना आप कितने डल नहीं है। इसका ऑपोजिट क्या होगा एलैक्रिटी का? जो लोग बहुत डल होते हैं, स्लो होते हैं, कोई फीलिंग्स नहीं होती हैं, यू नो दे डिले थिंग्स, धीरे धीरे चलते हैं, एम्बल, लिथार्जी। इसका बिल्कुल ऑपोजिट क्या है? एलैक्रिटी। एलैक्रिटी इज वेरी लाइव हियर, वेरी ईगर, वेरी अलर्ट, वेरी एविड, वेरी ब्रिस्क, चीयरफुल। छोटे बच्चे होते हैं ना, अक्सर कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत, जिनमें बहुत एलैक्रिटी होती है। नेक्स्ट, लेकोनिक। लेकोनिक को कैसे याद किया आपने? लैक ऑफ वर्ड्स। जो बंदा कम शब्दों में अपनी बातों को खत्म करता है वो बंदा होता है लेकोनिक, राइट? इसके लिए और क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं? टर्स, पिथी, ब्रीफ, कॉम्पैक्ट। ससिंग तो बहुत ही आता है, इसको याद रखिए। लेकोनिक एक एडजेक्टिव होता है। अमॉर्फस, जिसका कोई शेप ही नहीं है, शेपलेस, फॉर्मलेस, दैट्स अमॉर्फस। अमॉर्फस पत्थर। वॉन्टन, ऐसी लेडी जिसके कैरेक्टर में कोई स्ट्रेंथ नहीं होती, वो होती है वॉन्टन। जो बहुत लॉलेस होती है, जो कानून का पालन नहीं करते हैं, राइट? सो ल्यूड और अबैंडन्ड और लैक्स और लिबर्टीन और लिबिडिनस। ठीक है जी। वोसीफेरस का मतलब होता है जिनकी वॉइस में फेरस होता है, जिनकी वॉइस में आयरन होता है, बड़ी कड़क तेज आवाज, नॉइजी आवाज जो कानों को चुभे, वेहमेंट, क्लैमरस, Clamant, ranting, boisterous, right? That's vociferous. All right, people. Next in the kitty is utilitarian. Utilitarian ka matlab hota hai, jo cheez ka utility bahut hai. Sirf beauty hi nahi hai, uska utility hai, uska kaam hai. Right? Agar kisi cheez ka usefulness hai rather than the beauty, that's called utilitarian. Okay, everybody. Just jo cheez functional hai, jo cheez effective hai, pragmatic hai, serviceable hai, useful hai. नेक्स्ट इज विसिट्यूड। विसिट्यूड का मतलब चेंज, भाग्य में चेंज, एटीट्यूड में चेंज। कोई भी चेंज अगर हो तो आज से चेंज और वेरिएशन को आप विसिट्यूड बोल दीजिए। दुनिया में भी बहुत विसिट्यूड आ गया है कोविड 19 के बाद से, 2020 से। हाँ, बहुत विसिट्यूड हुआ है जॉब्स में, लोगों के माइंडसेट में, लोगों की मेंटल हेल्थ में बहुत चेंजेस आए हैं। दैट्स विसिट्यूड। ओके एवरीबडी। Yeah, Ravi, that was nice. Okay, so I hope you guys enjoyed actually all these words. तो थोड़ा थोड़ा डोज रोजाना लेना है, एक साथ बहुत सारा वर्ड्स याद नहीं करते हैं, नहीं तो ये सारे वर्ड्स फिर आपको, हाँ, बहुत बाइजेंटाइन सिचुएशन बना देते हैं दिमाग के अंदर, यू नो दैट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। तो थोड़ा थोड़ा शब्द रोजाना का, ये सारे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम के लिए हैं। तो आप लोग एग्जाम में डिवाइड नहीं करिए, इंग्लिश को रोज़ मज़े में सीखा करिए, थोड़ा थोड़ा डोज लेके। इन सब के बाद अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप हमारे आस्क अ डाउट फीचर का यूज़ करें। इस फीचर के चलते आप हमसे अपने लाखों डाउट पूछ सकते हैं। एक टाइम पे 3 डाउट और 2 आप रिजर्व में रख सकते हैं जब तक आपको पुराने 3 का आंसर नहीं मिलता। और आपको हम सॉल्यूशन आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज में देंगे। आपको तमिल में जवाब चाहिए, बांग्ला में चाहिए, पंजाबी में चाहिए, हम सब में जवाब देते हैं। और इसके लिए आपको अपने डाउट सबमिट करने होंगे, वो आप अनअकैडमी वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हो या लर्नर एप्लीकेशन के थ्रू भी कर सकते हो। So I would rather invite all of you guys to Unacademy's learner app or to the Unacademy website to check out our brand new updates, because we have brought in a lot of updates for you guys, right? You need to check that out. Agar aapko in sab ke bawajood koi doubt reh jata hai to aap usko report kar sakte ho. Agar aapko hamare videos mein kuch bhi inappropriate lage, aapko lage humne kisi galat bhasha ka use kiya hai, to aap usko report kariye. Is video ke description box mein aapko ek bugs bounty program milega. इस लिंक पे क्लिक करके अपना रिपोर्ट आप हमें टाइम स्टैम्प के साथ लिख के भेजिए। और अगर आपका रिपोर्ट हमें जेन्यून लगता है, यू स्टैंड अ चांस टू विन सम रियल एक्साइटिंग गिफ्ट्स। ऑल राइट एवरीबडी, सो थैंक यू, इट वाज वंडरफुल हैविंग यू ऑल हियर। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो PDF के लिए या फिर आने वाले हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए। सब्सक्राइब टू दिस टेलीग्राम चैनल,
डू लाइक एंड शेयर। देखिए आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिएगा। लाइक तो आप सारे लोग करते ही हैं, शेयर भी जरूर करिएगा। और शाम को 7 बजे आप सारे लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, अनअकैडमी लर्नर ऐप पर आइएगा। आज ही अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड हो जाएगा। वहां पे आके शाम को 7 बजे बैंक एग्जाम की कैटेगरी में शीना अरोड़ा, जो कि मेरा नाम है, आप जैसे ही वहां पे मुझे फॉलो करेंगे आपको मेरे तमाम स्पेशल क्लासेस दिख जाएंगे। शाम को 7 बजे एक फ्री में लाइव सेशन रखा है, सारे लोग इनवाइटेड हैं, जरूर आए। ये भी एक वोकैबुलरी सेशन है एंड ट्रस्ट मी यू विल एंजॉय अ लॉट, क्योंकि वहाँ का इंटरफेस बहुत ही अलग है, वो टू साइडेड है। आप वहाँ पे अपने कमेंट्स भी बता सकते हो आराम से, वी कैन इवन इंटरैक्ट इन देयर। सो डू कम एट 7 PM टुडे, लाइव फ्री, राइट एवरीबडी। सो रवि, आई डू टीच ग्रामर बट दैट्स अक्रॉस डिफरेंट चैनल्स। ओके All right then, thank you so much. Thanks for taking time out to listen to me. I hope you all have a good day today. Take care of yourself and your families. Be safe, stay home, and let's just fight with COVID-19.